ये देखिए गाइस, हमारी मैंगो की जली कितनी प्यारी है, कितनी यम्मी है। जली के नाम से ही बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं। तो ये रेसिपी, तो पूरी रेसिपी आप देखिए कि ये जली, मैंगो की जली हमने कैसे बनाई है। तो ये देखिए, देखती है, चलिए देखते हैं ये रेसिपी हमारी कैसे बनी है, मैंगो जली की रेसिपी। मीक से बिल्कुल टेस्टी से रेसिपी में, जो कि आज की रेसिपी हमारे बच्चों के लिए बहुत 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 स्पेशल है, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ठीक है, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो जेली। ठीक है, तो ये रहा हमारा आम कच्चा, जिसको हम कैरी भी बोलते हैं। तो करीब हमारा आधा केजी आम है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल नॉर्मल अगर देखा जाए, अगर वैसे तो आधा केजी वजन से है, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको, ये हमने 4 आम ले रखे थे जो नॉर्मल साइज के थे, इनको छील लिया है, छील के वॉश करके अच्छे से धो के रख लिया है। तो चलिए देखते हैं। और एक चीज, 2 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे एक मैंगो, एक इंग्रेडिएंट और है जिसको हम लास्ट में बताएंगे। तो देखिए फटाफट बनाते हैं मैंगो जेली। ये देखिए गाइस, नॉर्मल 1 ग्लास पानी हमने ले लिया है, 1 ग्लास पानी और हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, नॉर्मल 2 ग्लास पानी हो चुका है ऐड इसमें, इसको बॉयल करेंगे ढक करके। ठीक है, तो इसको बॉयल कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ढक देंगे इसको, बर्तन को, और इसमें पानी में जब तक बॉयल आएगा तब तक इसको बॉयल करेंगे। फिर 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे हम इन कैरियों को। आप चाहें तो आप इनको बिना उबाले भी बना सकते हैं, ग्राइंडर में महीन ग्राइंड कर लीजिए बिल्कुल पेस्ट, और उस पेस्ट से भी जिस तरह से हम बना रहे हैं बस उसी तरह से आप पेस्ट से भी बना सकते हैं। बट सबके घर में, जैसे काफी लोग हैं हमारे जो गांव से भी बिलोंग करते हैं, जिन्होंने हमको देखा है, वैसे तो मिक्सी सबके घर में होती है बट फिर भी किसी किसी के यहाँ नहीं होती है, तो उसके लिए ये हमने बता रखा है कि हमें बॉयल करके कैसे बनाना है। ये देखिए गाइस, प्लेट हमने हटाई तो देख लिया पानी बॉयल हो रहा है, तो अपनी धुली हुई ये कैरियां इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और 10 मिनट के लिए इनको बॉयल करेंगे। देखिए थोड़ा बड़ी बड़ी कटी हुई है, इस वजह से 10 मिनट के लिए बॉयल करेंगे, वरना तो 5 मिनट में बॉयल हो जाएंगी। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये देखिए गाइस, हमारा कैरी पक चुकी है। ठीक है, तो इसको हम बाउल में अपना निकालेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से दबाने पर लगे कि हाँ पक गया है, तो उसको हम बाउल में निकाल लेंगे। तो हम निकालते हैं, फिर मिलते हैं इस तरह से। ये देखिए गाइस, ये हमने आम निकाल लिए हैं, तो इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे अलग। और ये जो पानी बचा है, ये इसमें भी खट्टा जो है वो पर्याप्त मात्रा में इसको खट्टा है, तो इसको बाहर रख देंगे ठंडा होने के बाद, फ्रिज में रख देंगे। फिर जब चाहे तब जलजीरा ऐड करके आप इसका पन्ना बना सकते हैं, या फिर जैसे हम पानी के बतासे बनाते हैं उसका पानी बनाते हैं, तो ये उसको उसमें ये पानी ऐड हो सकता है। तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी रख लेंगे। एक बात गाइस और, अगर आप कुछ भी नहीं ऐड करना चाहते तो इसको ठंडा कर लीजिए, और इसमें काला नमक ऐड करिए और जीरा पाउडर, और उसको पी लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए ठंडा हो, आम मैंगो ठंडा हो जाता है, उसके बाद मिलते हैं। देखिए गाइस, ये सब मैंगो ठंडा हो गया अच्छे से, तो आप चाहें तो ऐसे ही तोड़ के मसल सकते हैं, बट हम मसलेंगे नहीं, हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। और आप चाहें तो आप तोड़ के, ये देखिए इसका पल्प है वो निकल आएगा, तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं ग्राइंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आगे। ये देखिए गाइस, हमने पीस लिया है। एक बात और गाइस, कोशिश ये करिएगा कि इसमें पानी ऐड बिल्कुल ना करिएगा, और ये देखिए इस तरह से पेस्ट तैयार करिएगा बिल्कुल। चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्या करना है। देखिए गाइस, ये हमने अपना मैंगो का पल्प जो पीसा था वो डाल दिया है। ठीक है, और ये हमारा आधा केजी मैंगो था, आपको हमने बताया था, और ये आधा केजी चीनी है, क्योंकि हमारा मैंगो देसी वाला था वो बहुत खट्टा होता है बहुत ज्यादा, तो इसको इसमें डाल देंगे, ऐड करेंगे। और ये देखिए गाइस, हमने इसमें डाल दिया है चीनी, ऐड कर दी है, और अब हम डालेंगे 2 पिंच नमक, जो कि हमारे मीठे में अगर नमक डाल दो ना तो थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है। और अब इसको हमने, अभी देखिए हमने ऑन नहीं करी है इंडक्शन अपनी, इसको थोड़ा सा आपस में ही मिला देंगे चीनी को। ठीक है, और आप लोगों को अगर बताएं तो हम कि मैंगो, हमारा जो कच्चा मैंगो होता है कितना ज्यादा टेस्टी और कितना ज्यादा यम्मी होता है। दूसरी बात है कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। ठीक है, ये देखिए, चलिए अब इंडेक्स अपना ऑन करते हैं। ये देखिए, अब इसको धीमी फ्लेम पर हम पकाएंगे। एक बात और गाइस, चलिए इसके थोड़े से फायदे बता दें हम थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अगर वैसे तो हम अगर फायदे इसके बताने बैठेंगे ना तो
पूरा 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अगर वीडियो खत्म करनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मेन जो फायदे हैं वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे जिसको शुगर होती है, यानी मधुमेह का जिसकी बीमारी होती है, उसके लिए ये मैंगो बहुत 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 ज्यादा अच्छा होता है, कच्चा मैंगो, ठीक है। और पाचन क्रिया भी हमारी सही करता है। वजन जो वजन कम करते हैं ना, जो लोग डाइट फॉलो करते हैं, उनके लिए भी मैंगो बहुत अच्छा होता है। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, ठीक है। और ये दांतों को भी हमारे स्वस्थ रखता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है ज्यादा मात्रा में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खनिज है, वसा है, ये चीजें पाए जाते हैं। और कच्चे मैंगो में पानी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, पानी की मात्रा अधिक होती है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये गाइस, सभी प्रकार के विटामिन प्रोटीन तो होते ही होते हैं, और एक चीज और इसमें होता है, जो आम की जो तासीर को लेकर इसमें डाउट होते हैं ना, कोई कहता है गर्म है, कोई कहता है ठंडा है, तो जो आम की जो तासीर होती है वो हमारी ठंडी होती है, तो ये बहुत अच्छा है और हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो इसको अब हम पकाते हैं, ठीक है। अगर और बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके गुण बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आम का पन्ना बना के पीने से लू नहीं लगती है, और भी चीजें होती है, तो काफी सारे इसके गुण अगर आप लोगों को बताने बैठेंगे ना, तो पूरा टाइम पूरा दिन इसी में बीत जाएगा। इसलिए अब हम बनाते हैं ये वीडियो। ये देखिएगा, इस टाइम पर पकने लगा है, तो इसका थोड़ा सा ऐसे करेंगे और हम टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा आम खट्टा है या और भी हमें चीनी की जरूरत है। तो हमारे आम में चीनी की जरूरत अब नहीं है, जितना हमने ऐड किया है चीनी उतना ही इनफ है। अगर आपके आम में खट्टापन ज्यादा हो तो आप चीनी और बढ़ा सकते हैं। देखिए, चीनी का टेस्ट आप अपना ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो उसको हम पकाते हैं, फिर मिलते हैं। देखिएगा, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे बैटर ने लगभग पैन छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसकी फ्लेम को हम कम कर देंगे, बिल्कुल लो मीडियम कर देंगे, बिल्कुल जिससे कि हमारा जले नहीं। और हम दूसरा अब इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट जो हमने कहा था मैंगो के बाद में जो दूसरा है, सेकेंड इंग्रेडिएंट जो मेन होगा, उसको हम चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये हमारा आरारोट है, ठीक है। इसको हम लेंगे 2 स्पून, ठीक है, 2 स्पून लिया हमने। और अब देखिए, एक हम ऑप्शन भी बताएंगे आपको कि आरारोट 2 स्पून लेने के बाद में आपको क्या करना है। आप आरारोट आपके पास नहीं है अगर, तो आप कॉर्न स्टार्च ले सकते हैं। तो हमने आरारोट लिया है, तो इसको देखिए ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, उसके बाद में यूज कर। ये देखिए, इतने के लिए 2 स्पून लिया, और कतई स्लरी एकदम पतली सी स्लरी कर ली है रेडी। तो इसकी जगह पर आपके पास अगर ये देखिएगा, ये पक रहा है हमारा, तो थोड़ा सा और बैटर को कर लेते हैं अच्छे से 2 मिनट के लिए। अब ये देखिए, ये जो हमारा आरारोट है, इसको हम हिलाते हुए ऐसे करके, कॉर्नफ्लोर हो आरारोट हो, इसको हम ऐसे हिलाते हुए इसमें ऐड करेंगे और चलाते हुए इसको पका लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से इसको चलाते हुए पकाएंगे, ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। और आप बिल्कुल भी इसको हमें बंद नहीं करना है, बिल्कुल भी अच्छे से चलाते रहना है, और फ्लेम को हम धीमा कर लेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट पर, और अच्छे से इसको मिलाएंगे। और आप इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर छोड़ देंगे ना तो तली में ये चिपक जाएगा। देखिए, गाढ़ा होने लगा है हमारा, ये देखिए अभी ये हमारा जेली का फॉर्म ले लेगा। ये देखिए, हमारे पकने लगा, गाढ़ा भी हो गया, टिक थिक हो गया, ठीक है। तो इस टाइम पर आप चाहें तो फूड कलर ऐड कर सकते हैं, बट हम आज ओरिजिनल रखेंगे, कोई भी फूड कलर या कुछ भी ऐड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। वैसे तो आप ग्रीन फूड कलर यूज कर सकते हैं, या जो भी मन चाहें आप रेड ग्रीन रेड येलो या जो भी कलर चाहें वो ऐड कर सकते हैं, बट हम नहीं ऐड करेंगे। इसको हम पका लेंगे थोड़ा सा और। देखिए, इस टाइम पर फ्लेम हम बिल्कुल धीमी कर देंगे। एक चीज और हम बताते हैं आप लोगों को, देखिए गाइस, अगर आप आम कच्चे आम को उबाल कर बनाते हैं, तो ये डर आप लोगों का नहीं रहेगा कि ये हमारा आम कच्चा तो नहीं रह गया इस तरह से पकाने में, ठीक है। और अगर आप कच्चा ग्राइंड करके पेस्ट बना के बनाते हैं, तो उसको पकाना बहुत जरूरी है अच्छे से। अगर अच्छे से पकाएंगे नहीं ना, तो उसका स्वाद अलग से आएगा। और जो आम उबाल के बनाते हैं ना, जैसे आज हमने बना के बताया है,
उस तरह से अगर बनाते हैं उबाल के पेस्ट बना के, तो इसमें आम कच्चा रहने का कोई तुक नहीं रह जाता है कि हमारा आम कच्चा है, तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग आएगा। तो देखिए ये अभी हमारा जेली फॉर्म में हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, बिल्कुल ये समझ लीजिए, ये देखिए हाफ स्पून से भी हाफ स्पून, केवल इसलिए कि हमारी जेली में चमक आ जाए और हमारा पैन जो है वो बिल्कुल तरीके से छोड़ दे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से, वैसे घी अगर ना भी ऐड करें तो भी काम हो जाएगा, अगर आप घी नहीं ऐड करते तब भी बन जाएगा जेली, ठीक है, मैंगो जेली। तो ये देखिए हमने घी ऐड करने से ही पूरा पैन बिल्कुल अच्छे से इसने छोड़ दिया है, ठीक है। और अब ये देखते हैं, एक तक आप देख रहे होंगे कि ये फ्लेम हमारी पैन ने बिल्कुल भी, ये देखिए पैन छोड़ दिया है, यही इंडिकेशन है कि हमारी जेली बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। तो इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर देंगे, ठीक है, इसी में हम ठंडा कर लेंगे। तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया ठंडा होने के लिए, बीच बीच में चलाते हमने इसको रोक दिया, ठीक है। तो ये इसमें हम इसको ठंडा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ठंडा करेंगे और आज हम इसमें जमाएंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों के टिफिन हर घर में उपलब्ध होते हैं। तो इसमें हम इस घी को पूरे को अच्छे से पूरे को हाथ से स्प्रेड करेंगे। ये देखिए हमने ग्रीस कर लिया है और अपने सारे बैटर को हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, हमने सारा इसमें डाल दिया है। और ये साइड में घी है जो हमने डाला था, उसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा हमें इसको चिकना कर देना, जिससे कि इसका थोड़ा सा जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से आ जाए। देखिए जेली फॉर्म में बनने लगा है हमारा, ठीक है, बराबर कर देंगे, अच्छे से चिकना कर देंगे, जिससे कि थोड़ा सा देखने में भी टेम्पटिंग लगने लगे। ये देखिए अभी बहुत गर्म है, ये देखिए कोई टैप नहीं करना, कुछ भी नहीं, वो अपने हिसाब से खुद हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप इसे ही हम किचन काउंटर पर, या ज्यादा जल्दी है तो आप फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, ठीक है। तो ये हटाते हैं, इसे ठंडा हो जाता है, उसके बाद मिलते हैं आगे आपसे। ये देखिए गाइस, हम एक टिप और देंगे आप लोगों को अपनी तरफ से, फिलहाल इसको हम किचन काउंटर पर ऐसे ही अगर खुला भी छोड़ देते ना, तब भी ये हमारा अच्छे से जम जाता, बट हमने पानी में रखा क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा चींटियां ज्यादा हैं और ये खट्टा मीठा फ्लेवर है, तो इसमें चींटियां जल्दी आ सकती हैं, इसीलिए इसको हमने ऐसे प्लेट में पानी करके और रख दिया है, पानी की वजह से चींटियां इस पर नहीं आएंगी। और अब इसको हम एक पेपर से ढक देंगे आराम से, ठीक है, तो ये आराम से ठंडा होता रहेगा। और देखिए फिर मिलते हैं ठंडे होने के बाद। ठीक है, हमारी जेली बनकर रेडी है, ठीक है, और ये ऊपर से घी थोड़ा सा, कोई बात नहीं, वो सब ऐसे चलता है क्योंकि हमने जमाया था ना। ये देखिए आप ये देख सकते हैं, ये देखिए साइड छोड़ रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, बस इसको ऐसे ही कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा, जिससे कि ये अपना साइड छोड़ दे, या आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाकू से छुड़ा दीजिए। ये देखिए नाइफ ले लीजिए और आप ऐसे कर दीजिए, ये देखिए बिल्कुल आराम से निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बस अब कुछ करना नहीं है। इसको हम अपने इस प्लेट पर ऐसे पलट देंगे और ऐसे टैप करेंगे, निकल आएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे टैप किया हल्का सा, ये देखिए निकल आया, कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए देख सकते हैं कितना प्यारा है। और इसको अब हम ऐसे रखेंगे और अपने मनचाहे आकार में इसको हम कट करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम इसके पीसेस कर लेंगे आराम से इस तरह से। तो करते हैं, ये देखिए गाइस अपने मनचाहे आकार से पीसेस कट करिए, उसके बाद हमने थोड़ा सा, आप चाहें ऐसे ही कर लीजिए, हमने थोड़ा सा और लुक दिया है अच्छा सा टेस्टी सा। ये देखिए डेसिकेटेड नारियल में लगाया, उसके बाद में इसको ऐसे रखेंगे, हम सर्व करेंगे इसको। तो देखिए ये देखिए ये अच्छे से बन गया ना, पास एक चीज एक दिखा दे रहे हैं, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से सारे कोट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए हमारी जेली बिल्कुल तैयार है, हमने इतनी मोटी करी थी, आप चाहे तो इससे भी मोटी कर सकते हैं जेली को। और ये रही यम्मी सी एकदम टेस्टी सी जेली, इसको और डेकोरेट करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हमारी जेली बनकर रेडी है। तो आज की हमारी ये रेसिपी, आप सब लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, इस सीजन की बेस्ट रेसिपी।
तो मैंगो जेली कितनी प्यारी, और ये बच्चों को बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाली, बहुत यम्मी, सच में मुंह में पानी आ जाएगा, बच्चे तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।